मैं हबुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पियर पॉलिवर लोगों में खौफ फैला रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम की नई वफाकी डेंटल केयर प्रोग्राम की मुखालफत करने पर सियासी हरीफ पर तनकीद। ट्रूडो का कहना है कि आप लोगों को डराने गुस्सा भड़काने से मसाइल हल नहीं कर सकते। कनाडा की अफ्रीकी मुल्क नाइजर में बगावत की मजम्मत। ग्लोबल अफेयर कनाडा की जानिब से नाइजर के सदर की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने अफ्रीकी मुल्क को दी जाने वाली इमदाद रोक दी। कनाडा भर में लाखों छोटे कारोबार बंद होने का खदशा। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस ने कर्जों की अदायगी की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। हुकाम का कहना है कि छोटे कारोबार अभी मामूल पर नहीं आए हैं। तालिबान इंसानी हकूक की बिगड़ती सूरत हाल के खात्मे के लिए अपनी पॉलिसियां वापस लें। अमरीका का खवातीन और अकलियतों पर पाबंदियों के हवाले से भी शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि दोहा में अमरीकी वफद से मुलाकात में पाबंदियां उठाने पर बात हुई। रूस का ज़ेलेंस्की के आबाई शहर पर मिसाइल हमला, 6 अफराद हलाक। यूक्रेनी सदर का कहना है कि दहशतगर्दी हमें खौफजदा नहीं करेगी और ना ही हमें तोड़ेगी। हमले से दर्जनों लोग सदमे का शिकार और जख्मी हुए हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke Wazir Azam Justin Trudeau ne kaha hai ki conservative rahnuma Pierre Poilievre ka zindagi ki buland qeematon ka muqabla karne ka wahid mansooba कैनेडियनों के खौफ में इजाफा करना है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कंजर्वेटिव रहनुमा पियर पॉलिवर का जिंदगी की बुलंद कीमतों का मुकाबला करने का वाहिद मंसूबा कैनेडियंस के खौफ को भड़काना, उनके गुस्से की हौसला अफजाई करना और उन प्रोग्रामों को कम करने का वादा करना है जो उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ट्रूडो ने कहा कि हर चीज के बारे में इसका जवाब कटौतियों और गुस्से में है। ये कैनेडा नहीं है, इस तरह नहीं है कि हम एक मजबूत मुस्तकबिल की तामीर करें। वजीर आजम ने नए वफाकी डेंटल केयर प्रोग्राम की मुखालफत करने पर पॉलिवर पर तनकीद की। ट्रूडो ने कहा कि इस प्रोग्राम ने लाखों खानदानों को पहली बार अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास भेजने की इजाज़त दी है। ट्रूडो ने कहा उन्होंने ऐवान में वोट देने का इंतखाब किया और इसके खिलाफ खड़े होने और कमजोर कैनेडियंस के लिए दांतों की देखभाल की फराहमी रोकने की कोशिश की। कंजर्वेटिव पार्टी के सरबरा बनने के बाद से पॉलिवर ने जिंदगी के अखराजात पर लगाम लगाने की कोशिशों पर लिबरल हुकूमत और ट्रूडो पर तनकीद की है। मुतादिद पोल्स में कंजर्वेटिव को लिबरल्स की बढ़तरी नजर आती है। एक रिपोर्टर ने ट्रूडो से पूछा कि क्या वो पॉलिवर की क्यादत से खतरा महसूस करते हैं। ट्रूडो ने कहा नहीं, हमारे लिए तशवीश की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को मुलाकात करने में दुश्वारी का सामना है। वो हैमिल्टन में ये ऐलान करने के लिए थे कि उनकी हुकूमत $64 मिलियन की मुश्तरका लागत से 214 घरों की तामीर और मुरम्मत के लिए शहर के साथ मिलकर काम करेगी। ट्रूडो ने कहा कि आप लोगों को डराने गुस्सा भड़काने से मसाइल हल नहीं कर सकते। वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो इससे वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक मजबूत मईशत बनाएंगे। दूसरी जानिब पॉलिवर के तर्जुमान ने ट्रूडो के हाउसिंग के ऐलान को मुस्तरद करते हुए इसरार किया कि ट्रूडो की पॉलिसियाँ मकामी हुकूमत के गेट कीपर्स को
हाउसिंग की तामीर को रोकने के काबिल बना रही हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा के 9 जून को किए गए रिमार्क्स का हवाला देते हुए तर्जुमान ने कहा कि पॉलीवर घरों की तामीर में हाइल रुकावटों से छुटकारा हासिल करेगा, बजट में तवाजन पैदा करेगा, महंगाई को कम करेगा और रिहाइश को सस्ती यकीनी बनाने में मदद करेगा। कनाडा नाइजर में बगावत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, लेकिन मगरबी अफ्रीकी मुल्क को इमदाद की मंजूरी या कटौती की धमकी देने वाले दीगर ममालिक के साथ शामिल नहीं हुआ है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा नाइजर में बगावत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, लेकिन मगरबी अफ्रीकी मुल्क को इमदाद की मंजूरी या कटौती की धमकी देने वाले दीगर ममालिक के साथ शामिल नहीं हुआ है। गुज़िश्ता बुध को नाइजर की फौज के एक धड़े ने मुल्क के जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद बाजोम को उनके महल में नज़रबंद करने के बाद उनका तख्ता उलटने का दावा किया था। जुमे की शाम एक ट्वीट में ग्लोबल अफेयर कनाडा ने लिखा कि कनाडा नाइजर में बगावत की कोशिश की शदीद मुज़म्मत करता है और बाजोम की रिहाई का मुतालबा करता है। कनाडा की वजीर खारजा मिलानी जूली का ट्वीट में कहना था कि कनाडा सदर बाजोम की रिहाई और नाइजर के सरबराह के तौर पर उनकी बहाली का मुतालबा करता है। जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। कनाडा मगरबी अफ्रीकी रियासतों की इक्तिसादी बिरादरी की हिमायत कर रहा है, जो 15 ममालिक का एक ग्रुप है जिसे इकोवास कहा जाता है। इस ब्लॉक ने धमकी दी है कि अगर बाजों को एक हफ्ते के अंदर इक्तदार में बहाल ना किया गया तो फौजी जनता के रहनुमाओं पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और फौज भेज दी जाएगी। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने इस मुल्क से इमदाद वापस ले ली है, जबकि वाशिंगटन ने उसकी पैरवी करने पर गौर किया है। कनाडा की हुकूमत ने कोई इशारा नहीं दिया है कि वो नाइजर के लिए तरक्की और इंसानी इमदाद में कमी के बारे में सोच रही है, जिसकी रकम तकरीबन 60 मिलियन डॉलर सालाना है। अक्वामे मुत्तहदा के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इक्तिसादी पाबंदियों का नाइजेरियन बाशिंदों पर गहरा असर पड़ सकता है, जो दुनिया के तीसरे गरीब तरीन मुल्क में रहते हैं। बैनुल अक्वामी काबिले तजदीद तवानाई एजेंसी के मुताबिक मुल्क अपनी बिजली के 90% तक नाइजेरिया से दरामदात पर इन्हिसार करता है। पाबंदियाँ तबाहकुन हो सकती हैं और नाइजर को उनसे बचने के लिए कोई हल तलाश करने की जरूरत है। मुल्क के वजीर आजम ओहोमोदो महमूदो ने इतवार को फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल को बताया। कनाडा भर के छोटे कारोबार वफाकी हुकूमत पर वबाई कर्जों की अदायगी की आखिरी तारीख में तौसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। उनका दावा है कि 1/4 मिलियन कंपनियों के बंद होने का खतरा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा भर के छोटे कारोबार वफाकी हुकूमत पर वबाई कर्जों की अदायगी की आखिरी तारीख में तौसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। उनका दावा है कि 1/4 मिलियन कंपनियों के बंद होने का खतरा है। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस के मुताबिक कारोबारों को माली इमदाद की अदायगी के लिए मजीद 1 या 2 साल दरकार है, बशमूल कैनेडा एमरजेंसी बिजनेस अकाउंट जिसने $60,000 तक के सूद से पाक कर्जे फराहम किए हैं। कनाडा एमरजेंसी बिजनेस अकाउंट कर्जों का एक हिस्सा $20,000 वफाकी हुकूमत की तरफ से काबिल माफी है, अगर रकम 31 दिसंबर 2023 तक अदा कर दी जाए। अगर नहीं तो पूरी रकम 5% सूद के साथ वाजिबुल अदा है। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस में डायरेक्टर ऑफ नेशनल अफेयर्स क्रिस्टीना सेंटिनी ने कहा, बस अचानक वो बहुत ज्यादा कर्ज वापस कर रहे हैं या उनके कर्ज की रकम में इजाफा हुआ है और उन्हें सूद के चार्जेस यकीनन पूरी रकम पर अदा करना होंगे। वो कहती हैं कि वबाई लॉकडाउन के उरूज के बाद से छोटे कारोबार कई मसाइल से नबरदाजमा है। सेंटिनी ने वजाहत की कि छोटे कारोबार अभी मामूल पर नहीं आए हैं, उनके महसूलात वहीं नहीं है जहाँ वो थे। उनका मुनाफा महंगाई, सप्लाई चेन में खलल, मजदूरी की कमी की वजह से और भी कम है। CFIB का कहना है कि 250 से ज्यादा कारोबारी ग्रुपों का दस्तखत शुदा एक मुश्तरका खत नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड को गुज़िश्ता हफ्ते भेजा गया था, जिसमें हुकूमत पर जोर दिया गया था कि वो तौसी पर गौर करें। CFIB के मुताबिक तकरीबन 2,50,000 कारोबार बगैर किसी तौसी के बंद होने पर मजबूर हो सकते हैं। ये खोई हुई मुलाजमतों के लिहाज से मईशत को मुतासिर कर सकता है, खोए हुए इंतखाब के लिहाज से सार्फिन को मुतासिर कर सकता है। बिलाखिर इसका असर उन छोटे कारोबारी मालकान और उन लोगों पर पड़ेगा जिन्हें वो मुलाजमत देते हैं। नेस उन कम्युनिटीज पर भी असर पड़ेगा जिनकी वो सबसे ज्यादा खिदमत करते हैं। वफाकी हुकूमत को CFIB की दरख्वास्त पर अब 30,000 से ज्यादा कारोबारी मालकान के दस्तखत हैं, जो आखिरी तारीख को December 2025 के आखिर या कम अज़ कम 2024 के आखिर में मुंतकिल करने का कह रहा है। फेडरेशन नोट करती है कि उसे NDP और ब्लॉक क्यूबेको की हिमायत हासिल है, लेकिन अभी तक लिबरल हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पीर को तालिबान और अमरीकी वफद की मुलाकात हुई। इस हवाले से अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने अपने बयान में कहा कि निगरान वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की
अमरीकी वफ से मुलाकात हुई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पीर को तालिबान और अमरीकी वफ की मुलाकात हुई। इस हवाले से अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने अपने बयान में कहा कि निगरान वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की अमरीकी वफ से मुलाकात हुई। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी वफ में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी थॉमस वेस्ट और उनके हमरा 15 अरकान शामिल थे। अब्दुल कहार बल्खी के मुताबिक मुलाकात में एतमाद साजी के लिए अमली इकदाम, ब्लैक लिस्ट और पाबंदियां उठाने पर बात हुई। अफगान बैंक के जखायर गैर मुंजमद करने और अफगान मौशी इस्तेहकाम पर भी बात हुई। अब्दुल कहार बल्खी के मुताबिक तालिबान और अमरीकी वफ के दरमियान प्लेनरी और टेक्निकल कमेटी सतह की दो रोजा बातचीत हुई। तालिबान वफ में वजारत खारजा और अफगान बैंक के अहदेदार, अफगान सिफारत खाने और सियासी दफ्तर के हुक्काम शामिल थे। उन्होंने कहा कि इंसदाद मंशियात और इंसानी हकूक से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। दोनों फरीकैन ने मुलाकातें इफहाम तफहीम और बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। दूसरी जानिब अमरीकी वफ ने कहा है कि तालिबान इंसानी हकूक की बिगड़ती सूरत हाल के खात्मे के लिए अपनी पॉलिसियां वापस लें। मुलाकात में अमरीकी हुक्काम ने अफगान आवाम की हिमायत में एतमाद साजी के लिए मुख्तलिफ उमूर की निशानदेही की। अमरीकी वफ ने इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद फराहम करने वाली तंजीमों की जरूरत पर जोर दिया। ऐलामिया के मुताबिक अमरीका ने इक्तसादी इस्तेहकाम के मसाइल के हवाले से जल्द तकनीकी बातचीत के आगाज का इजहार किया, जबकि अफगान सरजमीन को अमरीका और इतिहादियों पर हमले के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने के अजम का भी नोटिस लिया गया। दोनों फरीकैन ने सिक्योरिटी वादों को पूरा करने के लिए तालिबान की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। जेर हिरासत अमरीकी शहरियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई के लिए तालिबान पर दबाव डाला गया, जबकि अमरीकी वफ की जानिब से खवातीन और अकलियतों पर पाबंदियों के हवाले से भी शदीद तश्वीश का इजहार किया गया। अलावा अजी अमरीकी वफ ने अफगान मरकजी बैंक और अफगान वजारत खजाना के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की। यूक्रेन के शहर क्रीवी रैया पर रूसी मिसाइल हमले के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के शहर क्रीवी रैया पर रूसी मिसाइल हमले के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन के वजीर दाखिला का कहना था कि एक बुलंद बाला इमारत और एक यूनिवर्सिटी पर मिसाइल गिरने से 69 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि इलाकाई गवर्नर सरहई लाइसाक ने हलाक होने वालों के लिए यौम सोक का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमले के नतीजे में जाबहक होने वाले अफराद में 10 साल बच्ची और उसकी मां भी शामिल हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का आबाई शहर क्रीवी रैया रूसी हमलों का मुस्तकिल हदफ रहा है। हमले के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें 4 से 17 साल की उम्र के बच्चे शामिल थे। सदर ज़ेलेंस्की ने अपने एक पैगाम में कहा कि हमले से दर्जनों लोग सदमे का शिकार और जख्मी हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस अजम का इजहार किया कि ये दहशतगर्दी हमें खौफजदा नहीं करेगी और ना ही हमें तोड़ेगी। गुज़िश्ता अक़वामे मुत्तहिदा ने कहा था कि गुज़िश्ता साल शुरू होने वाली जंग के दौरान अब तक तकरीबन 25,671 शहरी हलाक हो चुके हैं, लेकिन हकीकी तादाद इससे कहीं ज्यादा होने का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया हफ्तों में रूस एक बार फिर शहरी अहदाफ पर हमलों में इजाफा कर रहा है और ज़ेलेंस्की के एक आला मुशीर मिखाइलो पोडलियाक ने मास्को पर यूक्रेनियों की नस्लकशी के लिए हमले शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।